Field Marshal K.M. Karyappa, the man who told Pakistan not to release his captured son. जितना टाइटल इंटरेस्टिंग है उतनी इंटरेस्टिंग ये स्टोरी है। लेकिन स्टोरी पे जंप करने से पहले मैं आपको K.M. करियप्पा जी का इंट्रो देना चाहता हूँ। हालांकि इन्हें इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बट हमारी जेन जी को भी तो पता चले अबाउट जनरल जी। सरकैज़म था। Who is the president of India? Manmohan Singh. What? The president of India. कोदिन देरा मडप्पा करियप्पा, इनका जन्म जनवरी 28, 1899 को कुर्ग डिस्ट्रिक्ट मैसूर में हुआ था। करियप्पा जी को मिलिट्री ट्रेनिंग वर्ल्ड वॉर वन में मिली थी, लेकिन वो किसी भी एक्टिव ड्यूटी में इन्वॉल्व नहीं थे। वॉर के खत्म होते होते हमारे इंडियन पॉलिटिशियंस ने इंडियन ऑफिसर्स को भी ब्रिटिश मिलिट्री में इंडक्ट करने की डिमांड रखी, और इसी के साथ 1919 में करियप्पा जी उस फर्स्ट इंडियन ग्रुप का हिस्सा बने जिन्हें इंदौर भेजा गया फॉर ट्रेनिंग। वहां से वो कमीशन हुए कार्नेटिक इन्फेंट्री बॉम्बे में। उन्होंने ब्रिटिश के अंडर मिडिल ईस्ट और बर्मा जैसी प्लेसेस पे सर्व किया। और आई नो बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा, बट ये इतनी इंटरेस्टिंग बात है, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन ऑफिसर जिन्हें एक यूनिट की कमांड मिली थी, वो भी ब्रिटिश एरा में। उनकी सर्विस के रिकॉग्निशन में उन्हें ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर में इंडक्ट किया। एंड आई डोंट नो वेदर यू गाइस हैव थॉट अबाउट इट कि पार्टीशन के वक्त इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मिलिट्री का डिवीजन कैसे किया होगा। वेल, उसका आंसर आप खुद ढूंढो। मैं बस यहाँ पर यह बताना चाहूंगा कि डिवीजन ऑफ मिलिट्री का जो पूरा टास्क था उसका सुपरविजन K.M. करियप्पा जी ने किया था। और फाइनली उस फैक्ट पे आते हैं जो ऑलमोस्ट सभी को पता होगा कि जनवरी 1949 में K.M. करियप्पा फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बने थे। उन्होंने ब्रिटिश जनरल रॉय बुचर से ये पोजीशन टेक ओवर की थी। और हम अक्सर सुनते हैं कि फौज में देयर इज नो कास्ट क्रीड एंड रिलीजन, एवरीवन इज इक्वल। द एनवायरनमेंट व्हिच वी सी जनरली द प्रॉब्लम्स व्हिच आर प्लेगिंग द कंट्री, यू नो, देयर आर डिवाइड्स, देयर इज कास्टिज्म, देयर इज religion, you know, all these things are not there in army. You live in a very very pluralistic secular society and you act like a unit. Iska shreya bhi Karyappa ji ko hi jata hai kyunki unhone the brigade of the guard, the mechanized infantry regiment ko raise kiya tha, jiski khas baat ye thi ki usme sabhi caste aur class ke naujawan recruit kiye gaye the. Karyappa ji active military service se 1953 mein retire hue and at the age of 94 he passed away. ये बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन था अबाउट K.M. करियप्पा जी, बट एज यू स्टार्ट टू रीड अबाउट हिम यू विल फाइंड दैट हिज स्टोरी इज मच मोर इंटरेस्टिंग एंड इंट्रीगिंग। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, K.M. करियप्पा जी हैड वन डॉटर नलिनी करियप्पा एंड वन सन K.C. करियप्पा। ये बात है 1965 वॉर की बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तब K.C. करियप्पा स्क्वाड्रन लीडर थे। वॉर के आखिरी दिन पे ही वॉज फ्लाइंग नियर दी बॉर्डर व्हेन ही वॉज शॉट डाउन। स्क्वाड्रन लीडर K.C. करियप्पा को पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया और प्रिजनर ऑफ वॉर बना लिया। जस्ट अ रिमाइंडर दैट इस वक्त फील्ड मार्शल K.M. करियप्पा रिटायर हो चुके थे। और वैसे जब इंटरोगेशन किया गया, हालांकि इनिशियली K.C. करियप्पा ने अपना सिर्फ नाम, रैंक और यूनिट नंबर ही बताया और इस बात का जिक्र भी नहीं किया कि वो जनरल K.M. करियप्पा के बेटे हैं। थोड़ी और इंटरोगेशन के बाद पाकिस्तानी सेना को पता लग गया कि वो जनरल साहब के बेटे हैं। इस बात को उस वक्त के मिलिट्री लीडर ऑफ पाकिस्तान जनरल आयूब खान तक पहुंचाया गया। जनरल आयूब ने रेडियो पे अनाउंसमेंट करवाया कि स्क्वाड्रन लीडर K.C. करियप्पा को हमने कैप्चर कर लिया है और वो बहुत ही सेफ कस्टडी में है। सेफ कस्टडी में हो भी क्यों ना, गलती से जनरल साहब के बेटे को कैप्चर कर लिया है। गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गई, भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। जनरल आयूब ने दिल्ली में बैठे पाकिस्तान हाई कमिश्नर को ये मैसेज भिजवाया कि आप पर्सनली मिलो जनरल करियप्पा से और उन्हें बताओ कि आपका बेटा इज इन परफेक्ट हेल्थ और हम उसे छोड़ने का ऑफर प्रस्तुत करते हैं। वेल, ये कर्टेसी दो चीजों की वजह से थी। पहला तो K.C. करियप्पा जनरल करियप्पा के बेटे थे और दूसरा जनरल आयूब जनरल करियप्पा के जूनियर रह चुके थे। वेल, इस वक्त इस सिचुएशन में कोई भी बाप इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा। मैं जनरलाइज नहीं कर रहा, बट ऐसे इमोशनल सिचुएशन में थिंग्स लाइक दीज हैपन।
बट यहां हम बात कर रहे हैं फील्ड मार्शल के एम करियप्पा जी की। गूजबम्स अलर्ट। उन्होंने ऑफर ठुकराते हुए कहा कि ऑल द कैप्चर्ड इंडियन सोल्जर्स आर माय सन एंड ऑल ऑफ देम शुड बी लुक्ड आफ्टर बाय द पाकिस्तान। दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि हमारे इंडियन आर्मी में एक से बढ़ के एक ब्रेव हार्ट्स थे, हैं और आते रहेंगे। स्क्वाड्रन लीडर केसी करियप्पा को बाद में सभी प्रिजनर ऑफ वॉर के साथ रिलीज किया गया और इयर्स लेटर जब इस ऑफर के बारे में केसी करियप्पा से पूछा गया तो ही सेड इन स्टेटमेंट विच विल लिव फॉर एवर। उनका स्टेटमेंट था कि माई डैड वॉज अ मैन ऑफ हाई प्रिंसिपल्स, फॉर हिम हिज सन एंड ऑल अदर सोल्जर्स वॉज सेम, सच हाई स्पिरिट एंड सच एंथुजियाज्म। क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनने के लिए प्लीज स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।